दोस्तों, जब भी सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर के अंदर खून के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इंसानों की मौत हो जाती है। असल में दोस्तों, इस चीज को दिखाने के लिए हम सबसे पहले सिरिंज के माध्यम से सांप के जहर को लेते हैं। उसके बाद उस जहर को इंसान के खून के साथ मिलाते हैं। कुछ ही सेकेंडों के बाद इंसान का खून कुछ इस प्रकार से थक्का बन जाता है जिसकी वजह से इंसानों की मौत हो जाती है।